वन महोत्सव के वृक्षारोपण महाभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 100 करोड़वां पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में यूपी सरकार ने वृक्षारोपण अभियान में रिकॉर्ड कायम किया है। अब तक प्रदेश में वन विभाग के सहयोग से 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। अभी यह अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। वहीं प्रदेश सरकार ने विभिन्न जनपदों व गांवों में रविवार को 25,51,404 पौधे लगाकर रिकॉर्ड बना दिया। सीएम ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ध्यान में रखते हुए 5 औद्योगिक स्थानों पर 5 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे जहां पर उद्योग लगेंगे। इससे पूर्वांचल के युवाओं को नौकरी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उनको अपने ही शहर में नौकरी मिल जाएगी। वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण के इस महाअभियान में सरकार कई रिकॉर्ड बनाने जा रही है। उस रिकॉर्ड के तहत यूपी में पिछले 5 साल में 100 करोड़ वृक्ष लगाए जा चुके हैं। रविवार शाम तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। यूपी में 7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में 30 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां पर 100 वर्ष पुराना एक बरगद का वृक्ष है जिसको हेरिटेज वृक्ष के रूप में संरक्षित किया गया है। सीएम ने कहा कि वृक्षों को संरक्षित करके ही हम एक स्वच्छ समाज दे सकते हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे पंचवटी, नक्षत्र वाटिका समेत अन्य औषधीय वाटिकाएं भी बनाई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद यूपी को व्यापक रोजगार, नौकरी व औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। इससे पूर्वांचल वासियों व युवाओं को अपने शहर में रोजगार मिलेगा, यूपी समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्सप्रेसवे को ध्यान में रखते हुए सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 5 औद्योगिक स्थानों पर 5 औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने जा रही है। यहां पर आईटी पार्क, ओडीओपी व टेक्सटाइल पार्क के साथ अन्य उद्योग लगाए जाएंगे। इन उद्योगों के जरिए लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ औद्योगिक गलियारा नहीं बनेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण का आधार भी साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना कमजोर हुआ है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है। सीएम ने कहा कि आप खुद भी वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार व आसपास के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना में दिवंगत आत्माओं की याद में जो यहां स्मृति वाटिका बनाई गई है उसके लिए जिला प्रशासन को बधाई। हर गांव व जिले में इस तरह की वाटिका बनाई जाए। उन दिवंगत आत्माओं को नमन व उनकी याद में लगाए वृक्ष हमेशा उनकी यादें सजोए रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मित्रों, वृक्षारोपण महाअभियान ये वन महोत्सव का एक अभिनव कार्यक्रम हमारी सरकार का है। विगत 5 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने इसे एक अभियान के रूप में लिया है। इस अभियान के क्रम में प्रदेश के अंदर पहली जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव का कार्यक्रम वन विभाग करता है और प्रतिवर्ष 2017 से लेकर के अब तक हम लोग इस अवसर पर बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करते हैं। पहले साल 5,71,00,000 वृक्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगाए थे, दूसरे वर्ष 11,77,00,000, तीसरे वर्ष लगभग 23 करोड़, विगत वर्ष कोरोना के बावजूद हम लोगों ने 25,87,00,000 वृक्षारोपण वन विभाग के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के अंदर
जगह जगह लगवाए थे और इस वर्ष 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का एक अभियान हम लोगों ने इस वन महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रातःकाल से ही अब तक कोरोना महामारी के बावजूद लोगों में जो उत्साह है, 9 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण अब तक प्रदेश के अंदर हो चुका है। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में बहुत सारे इवेंट हैं, जैसे वृक्षारोपण में पंचवटी, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, ये इसको तो एक इवेंट बनाया ही जा रहा है। 100 वर्ष पुराने जितने भी पेड़ हैं उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में, हेरिटेज ट्री के रूप में भी संरक्षित करने के बृहद अभियान के साथ सरकार कार्य कर रही है। इस बार एक नया चीज हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है, हर ग्राम पंचायत में, हर मोहल्ले में, कोरोना कालखंड में जो लोग दिवंगत हुए हैं उन सब के प्रति, उनके परिवार जनों के प्रति हमारी संवेदना है और उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने की दृष्टि से प्रदेश के हर नागरिक से हम लोगों ने अपील की है कि वह इस अवसर पर एक स्मृति वाटिका अपने अपने ग्राम पंचायत में स्थापित करें। ये स्मृति वाटिका उन दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कई फलदार वृक्ष, कई छायादार वृक्षों को लगाकर, कई इमारती लकड़ियों को, कहीं औषधीय वृक्षों को लगाकर, कहीं पंचवटी लगाकर, कहीं पर नवग्रह वाटिका या नक्षत्र वाटिका के माध्यम से उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का एक अभिनव कार्यक्रम भी हम लोगों ने लिया है। मुझे देख के यहाँ अच्छा लगा कि स्मृति वाटिका भी यहाँ पर लगाई गई है और जो एक हेरिटेज ट्री के रूप में हम लोगों ने एक वट वृक्ष को यहाँ पर आज उसका पूजन भी किया है। 100 वर्ष पुराना है, बहुत भव्य और दिव्य है। मैं चाहूँगा कि जरूर आप उसके स्नैप लेकर के पब्लिक के बीच में भेजें। हर गांव में हेरिटेज वृक्ष होगा, हर जनपद में होंगे, उनको संरक्षण करने की भी हम सबकी महती जिम्मेदारी है और इसलिए इस अभियान को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इस बार हाईवे, एक्सप्रेसवे और सभी मार्गों के दोनों ओर खाली जगहों पर, सुरक्षित स्थानों पर वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। साथ साथ नदियों के दोनों तटों पर जब बाढ़ से बाहर का क्षेत्र होता है उस पर भी व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि वृक्षारोपण का वन विभाग के नेतृत्व में यह अभियान, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग मिलकर के सहयोग कर रहे हैं, सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष से चलाए जा रहे वृक्षारोपण महाभियान के क्रम में 100 करोड़वा वृक्ष भी लगाया है, यानी ये अपने आप में एक प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने वृक्ष हम लोग लगा रहे हैं इनका जियो टैगिंग करने की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे वृक्ष के बारे में जानकारी लेना, उसके संरक्षण के लिए उचित उपाय करना, और ये अभियान निरंतर आगे बढ़ करके हम लोग आम जनमानस को भी इनके साथ जोड़ सकें, इस दिशा में कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस अवसर पर वृक्षारोपण महाभियान और वन महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि अपने अपने लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रत्येक नागरिक वृक्षारोपण इस महाभियान के साथ जुड़ करके वृक्षारोपण के इस महान और पुण्य कार्य के साथ जुड़ करके पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को
आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद जी।